शर्मो हया तो जैसे बेच के खा गए तुम। हाँ तो तुम्हारे अंदर कौन सी शर्मो लिहाज है जो तुम मुझे से खा रही हो? मेरा बाप मरा था, सिर्फ अमजद भाई का नहीं, तुम लोगों ने क्या किया मेरे साथ? मेरे बाप के साथ ही मुझे दफना दिया, गैरों जैसा सलूक किया तुम लोगों ने मेरे साथ। मेरे बाप के पैसों पे नागिन बन के बैठी है ये औरत, मुझे तो कहीं से गोद लिया था, मुझे तो लगता है मैं इसका बेटा ही नहीं हूं। बकवास कर रहा है। हाँ, किसी को गोद ले लिया होता तो अच्छा होता, कम से कम आज इस बात का दुख तो नहीं होता कि तुम जैसे गंदे अंडे को जन्म दिया है मैंने। ये मुझे मारा? संभाल इसे, मेरा घर नहीं छोड़ के जाऊंगा ये, जिसे जाने वो जाए यहां से। कम्मो, किचन का कुछ सामान लाई हूँ, ये किचन में रख दो और मेरे लिए ना गर्मा गर्म मजे की दूध पत्ती बनाना। अम्मी, आपके लिए भी चाय बनवा दूँ? चेकबुक तुम्हारे हाथ की आई, तुम लगी फजूल खर्ची करने? तुम्हें अंदाजा भी है कि कितनी मेहनत से कमाए जाते हैं ये चार पैसे? मैंने फजूल खर्ची नहीं की है, सारा घर का सामान लाई हूँ, सौदा वगैरह लाई हूँ, जरूरी सामान है। ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है, मेरे घर में क्या आएगा और क्या नहीं ये तुम डिसाइड नहीं करोगी, मैं डिसाइड करूंगी कि तुम होती कौन हो और किसकी इजाजत है तुमने बैंक से पैसे निकाले। जवाब दो, बोलो। बैंक से? अभी मैंने बैंक से तो पैसे नहीं निकाले। तो फिर ये सामान मुफ्त में आ गया? कैसी बातें कर रही हैं आप? रमीज मुझे कुछ पैसे देकर गए थे, उन्हीं पैसों का सामान आया है सारा। देखो, एक बात कान खोल के सुनो, ये घर मेरा है और तुम सिर्फ रमीज के प्यार को सिर्फ प्यार ही समझना, इस घर की मालकिन बनने के ख्वाब नहीं देखना, क्योंकि ये घर सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा। जी, ये घर आपका है और आपका ही रहेगा, मगर आज आप बहुत अजीब तरीके से बात कर रही हैं। एनीवे, अगर आपको मेरा बाहर जाना बुरा लगता है तो आज के बाद मैं जहां भी जाऊंगी आपसे पूछ कर जाऊंगी। अभी के लिए I'm sorry। ठीक है, आइंदा ख्याल रखना। जी। अब कहां जा रही हो? वो कमरे में। देखो, बजाय फजूल खर्ची करने के घर के कामकाज में दिलचस्पी लो, और खैर से तुम्हारी शादी को काफी महीने गुजर गए, अब घरदारी संभालो। जी। आज से शाम की चाय तुम बनाओगी और घर में क्या पकना है क्या नहीं ये सब भी तुम ही देखोगी। अब जाओ, मेरे लिए चाय बनाओ, वैसे ही मेरे सर में बहुत दर्द है। जी। मैंने भी तुम्हें सबक नहीं सिखाया तो मेरा नाम भी तहमीना बेगम नहीं, और फिर अगर शिकायत करेगी मेरी रमीज से तो क्या, यही कि मैंने चाय पीने की फरमाइश की या फिर बहू के हाथ का खाना खाने की? यार जमाल छोड़ना यार, जो और जैसा सबक सिखाया
याद रखेंगे सबके सब। तुझे ना ये थप्पड़ बहुत पहले मार देना चाहिए था, तो साले तू आज टके टके का मोहताज नहीं रहता। चल ना यार दफा कर, बेहतरीन सा खाना खाते और फिर क्या, फिर चलते अपनी जॉब पे। नहीं यार आज मेरा मूड नहीं है, आज नहीं काम पे जाना। अबे आज ही तो मोटी कमाई होनी है अपनी मेरे दोस्त। अच्छा तो चल फिर चले, लेकिन यार भूख लगी है, पहले कुछ खा ले। ये हुई ना मेरे दोस्त बात, चलो बैठिए बैठिए। हेलो। हेलो स्वीटहार्ट, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, चाय बना रही थी। चाय बना रही हो, क्यों कमो कहाँ है? उससे कहो ना ये काम करने के लिए। तुम अपना हुस्न क्यों खराब कर रही हो? कोई बात नहीं, वो मैं अम्मी के लिए चाय बना रही थी। अच्छा तो सास को इम्प्रेस करने की कोशिश की जा रही हो? वैसे तुम्हें इम्प्रेस करने की कोई जरूरत नहीं है, ममा ऑलरेडी तुमसे बहुत इम्प्रेस्ड है। थैंक यू सो मच। तुम ममा को अपनी सास नहीं समझती बल्कि माँ की तरह समझती हो। आजकल की लड़कियां तो ऐसा करती नहीं है। खैर अब ऐसे भी कोई बात नहीं है, और वैसे भी पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती। चाय बन रही है या पाए? बस बन रही है अम्मी। किसका फोन है? रमीश का। हाँ बेटा, मेरी बहू मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रख रही है, मगर मैं तुमसे नाराज हूँ। एक कॉल ना कर सके? अपनी खैरियत तो बता देते। नहीं मामा, वो कल मेरी उम्मीद से बात हुई थी, बल्कि मैंने उसे कहा था आपको सलाम भी दे मेरा। अच्छा, मगर इसने तो मुझे नहीं बताया। मैं तो ये समझ रही थी कि मेरा बेटा बाहर क्या गया, अपनी माँ को भूल गया। नहीं नहीं मामा, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ। अच्छा ये बताएं मैं आपके लिए क्या लेकर आऊँ? कब आ रहे हो? वैसे तो 3 दिन का टूर था, लेकिन शायद 1 हफ्ता लग जाएगा। मैं चाहता हूँ कि काम खत्म करके ही जाऊँगा वापस। मेरी जान तुम अपने काम पे ध्यान दो, हमारी फिक्र ना करो, हम लोग यहाँ बहुत मजे में हैं। और आपके पैर का दर्द कैसा? आराम है अब। चलो। अम्मी मामा, उम्मीद को फोन दीजिएगा। बेटा वो अपने कमरे में है। चले चले ठीक है, फिर मैं कल बात करूंगा। ओके मेरी जान, अपना बहुत ख्याल रखना। आप भी ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज। उम्मीद तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि रमीश का फोन आया था और वो मुझसे बात करना चाह रहा था, और उसने मुझे सलाम भी दिए। वो कल रात बात हुई थी ना, सुबह उठी तो जहन से निकल गया। सॉरी। कितनी मासूम हो ना तुम, क्या समझती मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दोगी ऐसी हरकतें करके? ये तुम्हारी गलत फहमी है, समझी लड़की? मैंने ऐसा क्या किया है अम्मी, क्यों मुझसे इतना बदगुमान हो रही है? बदगुमान? बदगुमान तो तुमने किया है मुझे और मेरे बेटे को, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, जिस तरह ब्याह के लाई थी ना तुम्हें धूमधाम से, उससे बुरे तरीके से निकालूंगी तुम्हें, समझी? अपनी औकात में रहो, अब जाओ यहां से। मैंने कहा जाओ यहां से।
कितनी मासूम हो ना तुम, क्या समझते मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दोगी ऐसी हरकतें करके? ये तुम्हारी गलतफहमी है, समझी लड़की? बदगुमान तो तुमने किया है मुझे और मेरे बेटे को, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, जिस तरह ब्याह के लाई थी ना तुम्हें धूमधाम से, उससे बुरे तरीके से निकालूंगी तुम्हें, समझी? अपनी औकात में रहो, अब जाओ यहां से। क्या हुआ आपा? मामू आप दुआ करें अम्मा के लिए, अम्मा ठीक हो जाए। आखिर तो मुझे बता क्यों नहीं रही, हुआ क्या है उसको, क्यों सब उसे छुपा रहे हैं? देखो मेरे सबर का ज्यादा इम्तिहान मत लो। आप अपनी तबीयत क्यों खराब करते हैं मामू, बस दुआ करें अम्मा के लिए। शाजिया मुझे सच सच बताओ क्या हुआ है तुम्हारे पापा को? वो दरअसल मामू जमाल ने अम्मा पे हाथ उठाए। वैसे अब्बा और गुड़िया के मरने के बाद तुमने शराफत का कुछ ज्यादा ही नहीं नाटक शुरू कर दिया। जमाल कि तुम किस तरह बात कर रहे हो अम्मा से? बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ, उसी तरह कर रहा हूँ जिस तरह मेरे आने से पहले अम्मा मेरी बुराइयां कर रही थी। क्यों अम्मा? सोच हुए खाकर हज पे चली तुम। एक बात याद रखना, इस घर की जितनी भी बर्बादी हुई है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई है। जमाल अब अगर एक लफ्ज भी मुंह से निकाला ना तो थप्पड़ मार दूंगी तुम्हारे मुंह पे। ए सोचना भी मत। मेरा बाप मरा था, सिर्फ अमजद भाई का नहीं, तुम लोगों ने क्या किया मेरे साथ? मेरे बाप के साथ ही मुझे दफना दिया, गैरों जैसा सलूक किया तुम लोगों ने मेरे साथ। मेरे बाप के पैसों पे नागिन बन के बैठी है ये औरत, मुझे तो कहीं से गोद लिया था, मुझे तो लगता है मैं इसका बेटा ही नहीं हूं। बस करो, किसी को गोद ले लिया होता तो अच्छा होता, कम से कम आज इस बात का दुख तो नहीं होता कि तुझ जैसे गंदे अंडे को जन्म दिया है मैंने। मुझे मारा? इतनी जुर्रत, उसने अपनी मां पे हाथ उठाया। जमाल मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जमाल का हिसाब तो अल्लाह की अदालत में हो ही जाएगा मामू, आप उसके मुंह ना लगे, छोड़ दें उसको उसके हाल। मैं अपनी बहन को क्या मुंह दिखाऊंगा, कैसे सामना करूंगा उसका?
मेरे होते हुए मेरी बहन के साथ इतना कुछ हो गया और मैं हाथ पे हाथ धरे बैठा रहा। या अल्लाह, मेरी बहन को, मेरी आपा को ये दिन देखना पड़ेगा। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था ये कैसी आजमाइश है। अल्लाह मामू, बस आप दुआ करें अम्मा ठीक हो जाएं जल्दी से। इस मौज का नाटक करते करते असल मेरे पैर में दर्द होना शुरू हो गया, लेकिन कुछ भी कहो तहमीना बेगम, तुम्हारी इस चाल की वजह से कैसे उम्मीद और अमीज एक दूसरे से दूर हो, वरना वो उम्मीद आज मेरे बेटे के साथ यूरोप में घूम रही होती। नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। देखने के लिए आ रही थी ऊपर और पांव फिसल गया। पैर फिसल गया? लेकिन कैसे? पता नहीं बेटा, यहां कैसे तेल पड़ा हुआ था। दुल्हन बीबी तेल लेकर ऊपर जा रही थी, शायद इन्हीं से गिर गया होगा। उम्मीद, तुम इतनी लापरवाही कैसे कर सकती हो? इसका मतलब है कि अम्मी ने ये मौज का ड्रामा किया था, वो भी सिर्फ इसलिए कि मैं रमीज के साथ ना जा सकूं। मगर क्यों, क्यों कर रही है वो ये सब कुछ? मुझे रमीज के आते ही उनसे बात करनी होगी। कितने वाली चाहिए? दो पैकेट चाहिए। जल्दी 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 करो, आज लाओ दो। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी पकड़ो पकड़ो। सही है, अब तो आपको शिकायत नहीं है कि मैं आपको कॉल नहीं करता? बेटा, मैं तो तुमसे नाराज हो ही नहीं सकती। तुम जानते हो मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। अच्छा ये बताएं, आपकी बहू साहिबा क्या कर रही हैं? वो अपने कमरे में मूवी देख रही है। जब से तुम गए हो बस शॉपिंग, मूवी। लेकिन मामा, उसे तो आपके पास होना चाहिए था। यहाँ ना लाने का मकसद भी यही था कि वो आपकी खिदमत करे, आपके पास रहे। मैं उसे कॉल करके बताऊंगा कि मूवी तो बाद में भी देखी जा सकती है, मामा के पास बैठो। अरे नहीं, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें उसे कुछ भी कहने की, वरना वो समझेगी शायद मैं तुम्हें रिवायती सासों की तरह भड़का रही हूँ। वैसे ही मैंने उस पर किचन की और चाय की जिम्मेदारी लगा दी है। मामा, सिर्फ चाय बनाना उसका काम नहीं है, उसे चाहिए कि हर पल आपके साथ हो, खिदमत करे आपकी। आप फिकर ना करें, मैं उसे तरीके से बात करूंगा कि वो ज्यादा से ज्यादा टाइम आपके साथ स्पेंड करे। बेटा, अगर उसका दिल नहीं करता मेरे पास बैठने का या मेरी खिदमत करने का, तो तुम उसे मजबूर मत करो। अपने काम पर ध्यान दो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में किसी बात को भी लेकर बदमजगी हो। मामा, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं आपका नाम नहीं लूंगा, ट्रस्ट मी। आई ट्रस्ट यू। थैंक यू एंड आई लव यू। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।
वैसे हिम्मत है तुम्हारी समीना बहन, जिसे नलायक आदमी को इतनी ऐशो आराम से रखा हुआ है तुमने, वो भी अपनी बेटी के खर्चे पे। मुझे बताओ अर्पा, मैं क्या करूं? शैला के इतनी तनख्वाह है नहीं कि हम किराए का घर लेके रह सके। वालेकुम अस्सलाम। और अम्मी आप फिक्र ना करें, क्योंकि बहुत जल्दी मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिलने वाली है और हमारे बुरे दिन अच्छे दिनों में बदल जाएंगे। अरे वाह, अरे हमारे बुरे दिन तो वैसे ही कट गए, खत्म हो गए सारे। अरे ये गर्मा गर्म समोसे हैं, जल्दी से जा चाय बना और वो हमारी बहन को मिला, ठीक है? अरे तू नाराज है अभी तक? तो नाराजगी खत्म हो गई के? मेरी बात सुन, ये पकड़ मिठाई और जल्दी से खा। किस खुशी में? अरे अभी तक नाराज है, सुनेगी ना तो पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। आपसे वैसे उम्मीद भी यही की जा सकती है। अरे अभी तक नाराज है तू, चाहे जितनी भी तू नाराज हो जा, मगर हूँ तो मैं तेरा बाप ही ना। हाँ ये ले खा ले। किस खुशी में है ये मिठाई? अरे बहुत बड़ी खुशी है, देख मैंने अपनी बेटी शैला का जो रिश्ता है ना वो तय कर दिया है, वो आयाज गुज्जर के साथ। क्या? उस बदमाश के साथ? अरे नहीं नहीं नहीं, वो कोई बदमाश थोड़ी है, वो तो ऐसे ही उसका जरा मल्ले में टैका शैका है, वो ऐसे जरा आकड़ उकड़ के टूटता फिरता है, उसके सामने कोई बोलता बोलता नहीं है, अगर कोई बोले तो उसकी आंखें काट लेता है। और तू फिक्र ना कर, हमारी शैला ऐश करेगी ऐश। खा ले। नहीं करना मुझे ऐश और ना ही करनी ये शादी। तेरी ये जुर्रत कि मिठाई को तूने हाथ मारा तो तू क्या समझती है कि तेरी शादी वहां नहीं होगी? मेरी शादी जहां होनी होगी वहां हो जाएगी, आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। और हाँ, मेरे सामने बाप बेटी वाला नाटक बिल्कुल मत कीजिएगा, वरना आपकी कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में जाके कर दूंगी। क्या कहा तूने? वही जो आपने सुना। अच्छा समीना बहन, मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी। भलाई का तो जमाना ही नहीं है, देख लो, देख रही हो ना अरमा बहन, ये देखती जाओ और सुनती जाओ। और हाँ, मरो मरो दोनों माँ बेटियाँ इधर ही, जवान हो जाओ इसी घर में। अगर तुम लोग नहीं खाती ना तो ना खाओ, जाओ भाड़ में, ये सारी मिठाई मैं खुद खाऊंगा। ये ले, ये करे मर जाइए, इसका शुक्र इतना पड़े। कुछ भी कहो तमीना बेगम, तुम्हारी इस चाल की वजह से कैसे उम्मीद और अमीज एक दूसरे से दूर हो गए, वरना वो उम्मीद आज मेरे बेटे के साथ यूरोप में घूम रही होती। नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? ठीक हूँ। क्या हो रहा? कुछ भी नहीं, बस यहीं हूँ, आप बताएं। कहाँ? घर में। मेरा मतलब है इस वक्त कहाँ हो? कमरे में अपने। उम्मीद तुम्हें पता है ना, मामा की तबीयत ठीक नहीं और उन्हें तुम्हारी जरूरत है। रमीज को कैसे बताऊं? अम्मी के पाँव में चोट नहीं लगी है, उन्होंने झूठ बोला था मुझे आपसे दूर रखने के लिए। उम्मीद मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दो मुझे। जी जी, मैं आपकी बात सुन रही हूँ। सुन ली बात? जी। ओके, अब अच्छी बीवी और बहू की तरह सारा वक्त मामा के साथ गुजारो, समझे? जी। उम्मीद मामा को तुम्हारी बहुत जरूरत है इन दिनों, आप अभी मामा के पास जाओ और उनके पास बैठो और उन्हीं के साथ सोना। तुम सोचो, रात को अगर उन्हें प्यास लगे या वॉशरूम जाना पड़े तो वो कैसे मैनेज करेंगे? ख्याल रखना चाहिए ना तुम्हें। खैर, मैं समझ रहा था तुम मामा का बहुत ख्याल रखोगे, लेकिन सच में मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। जी, मैं इन सारी चीजों का ख्याल रख लूंगी, जैसे आप कह रहे हैं वैसे ही करूंगी। अगर मैंने आपको डिसअपॉइंट किया हो तो उसके लिए आई एम सॉरी। ओके।
शौहर एक समझदार और सुलझा हुआ इंसान है, लेकिन मैंने भी थोड़ी बहुत दुनिया देखी है बेटा। अगर तुम्हारा शौहर कहे रात, तो कहना रात है। अगर वो कहे दिन, तो कहना दिन है। उम्मीद, कभी भी अपने शौहर के आगे जुबान मत चलाना, उसका हर हुक्म बजा लाना, हर हुक्म। आ जाओ। तबीयत कैसी है बाप की? तुम आ गया ख्याल अपनी सास की तबीयत पूछने का? यकीनन रमीज ने भेजा होगा कि जाओ जाकर पूछो अम्मी कैसी हैं। वो रमीज की कॉल आई थी, वो कह रहे थे कि आपका ख्याल रखने के लिए आज रात मैं आपके साथ सो जाऊं। कोई जरूरत नहीं है मुझे इन झूठे दिखावों की। बीबी जाओ अपने कमरे में आराम करो, मेरे पास कमो रह जाएगी। अम्मी अगर रात में आपको किसी चीज की जरूरत पड़ जाए तो आप कैसे उठ कर लेंगी? मैं रुक जाती हूँ ना, कोई बात नहीं है। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, कमो है वो मेरा ख्याल रख सकती है। जाओ बीबी अपने कमरे में आराम करो, मौजे मनाओ। जितनी मोहब्बत और इज्जत तुम अपने ससुराल को दोगी, बदले में उससे कहीं ज्यादा इज्जत और मोहब्बत तुम्हें मिलेगी। बस आज के बाद तुमने अपनी सास को अपनी माँ समझना है, वो तुम्हारी माँ है बस बेटा। जाओ। मैं आ गई। अब आप जल्दी से ठीक हो जाए। मैंने हमेशा फूफो को हंसते बोलते हुए देखा है ना, इसे देखने की आदत नहीं है। उम्मीद बेटा, कुदरत के फैसलों के आगे इंसान भी बस है। बस हम आपा के लिए दुआ कर सकते हैं, अल्लाह ताला इसे जल्द से इत्याम कर। आमीन। मुझे पता है, मैं समझ सकती हूँ आप लोग कितनी तकलीफ से गुजर रहे हैं। मुझे कहते हुए कुछ मुनासिब तो नहीं लग रहा, लेकिन भाभी रमीज ने ये कुछ पैसे दिए थे, ये आप रख लें, आपके काम आएंगे। नहीं उम्मीद, इसकी जरूरत नहीं। अब कैसी बातें कर रही हैं, जरूरत के वक्त ही तो अपने काम आते हैं ना। मैं अपनी नहीं हूं क्या? आप प्लीज रख लें, आपके काम आएंगे। रमीश का वापस आएगा, बस एक आध दिन में आ जाएंगे। अल्लाह ताला उसे कामयाब करे, मुझे तरक्की दे। तू समझती क्या है अपने आप को? आज तो मैं तेरा वो हशर करूंगी उम्मीद, कि तू सारी जिंदगी याद रखेगी। वो मेरा कसूर नहीं है, कसम से मैंने कुछ नहीं किया। मुझे नहीं चलाया।
हेलो। अस्सलाम वालेकुम मामा। जीते रहो बेटा। वालेकुम अस्सलाम। तबीयत कैसी है आपकी? बेटा तबीयत तो वैसी ही है जैसी तुम छोड़ के गए थे। और आजकल की लड़कियां बड़ी लाओबाली होती हैं, हम जैसे बूढ़ों में कहां बैठना पसंद करती हैं, कहां उनकी खिदमत का सोचती हैं। क्यों मामा, उम्मीद आपका ख्याल नहीं रखती? अरे नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा कि वो मेरा ख्याल नहीं रख रही। अच्छा ये बताएं, कल रात को वो आपके साथ सोई थी या नहीं? वो आई तो थी तुम्हारे कहने पर सोने, मगर शायद उसे अच्छा नहीं लगा। नहीं मामा, ऐसी कोई बात नहीं होगी, आपको ऐसे लग रहा होगा। अरे उसने तो मेरी सारी जिम्मेदारी कमों पर लगा दी है। और वैसे भी मेरे जान, मैं कोई उसकी सगी माँ थोड़ी हूँ। नहीं मामा, आप तो सगी माँओं से भी बढ़कर प्यार देती हैं उसे। और मैंने उसे खास ताकीद की थी कि वो आपका साथ ना छोड़े, बल्कि रात को भी आपके साथ ही सोए। खैर आप अपना ख्याल रखें, मैं आता हूँ और देखता हूँ। अरे बेटा तुम परेशान मत हो, मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगी। अभी उम्मीद आपके पास है ना, वो आपका ख्याल रखेगी। बेटा उम्मीद घर पे रहती कब है? अभी भी अपनी फूफो के घर गई है। मगर मुझे बताना तक मुनासिब नहीं समझा। क्या मतलब, आपको बताया भी नहीं और चली गई? नहीं। ठीक है, आप अपना ख्याल रखें, मैं देखता हूँ। खुदा हाफिज। मुझे तो सख्त कोफ्त होना शुरू हो गई है तुम्हारे मैके के जिक्र से। मैके मैके मैके। आपने अब्बू को भी तो कहा है कि वो इतला देकर आया करें, अब अगर मैं भी नहीं जाऊंगी तो राब्ता कैसे रहेगा अम्मी? तो राब्ता रखना जरूरी भी नहीं है। क्या जरूरत है, अब ये तुम्हारा घर है, इस घर को समझो। और तुम्हारी सबसे पहले जिम्मेदारी रमीज है, उसका ख्याल करो। प्लीज जाने दे, पप्पू की तबीयत ठीक नहीं है, वरना मैं नहीं जाती। अच्छा ठीक है, जाओ। शुक्रिया। वाह तमीना बेगम, कितनी दूर की सोची है तुमने। हाँ वाकई बाइक तो बहुत पुरानी हो गई है। हाँ भाई, माल ताजा है या बासी? तुम कौन हो, पहले तो यहाँ नहीं देखो। लिया होगा तो देखा होगा ना, वो जो अकरम भाई है उन्होंने बताया था तुम लोगों का, सुना है माल बहुत सॉलिड होता है तुम लोगों के पास। देखो अगर मुझे माल पसंद आ गया तो मैं एक झटके में सारा माल उठा लिया करूंगा तुमसे। इतनी पंचायत क्यों कर रहा है, इतना सारा माल पड़ा है, बेचते ही नहीं थे। हाँ क्या, तो तू सही रहा है, पुलिस की बड़ी मारा मारी है। एक काम करो, नंबर दे दो, फोन करके बताता हूँ, अभी तो माल खत्म हो गया। ये भी ठीक है, पैसे कैश होंगे। बेफिक्र है, इससे पैसे कैश ही मिलेंगे। फोन करूंगा। ये भी ठीक है। तुमने झूठ क्यों बोला, जब इतना माल पड़ा था उसे देते था। सस्ते के चक्कर में जेल जाने का शौक नहीं है मुझे, तो पता पुलिस की कितनी मारा मारी है। बंदे तो सही लग रहे हैं। तो फिर हम देखते हैं बाद में। किसका फोन है? घर से। हाँ क्या हुआ मामा?